हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन हेल्दी। सो वंस अगेन वेलकम टू चलाता हूं टेक। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, फिर फैट होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू रूल्स के बारे में, जो कि अभी इसी वीक जो अभी इमिग्रेशन ने चेंज किए हैं, इमिग्रेशन में चेंजेस किए हैं होम सेक्रेटरी ने। तो अभी काफ़ी जो है वो होम सेक्रेटरी पागल हो गए हैं। पहले सुहेला ब्रेवमैन थी, वो फजूल रिमार्क्स दे रही थी जी इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जी, मल्टी कल्चरलिज्म फेल हो गई है। तो होमलेसनेस जो है वो एक बंदे का स्टाइल होता है, उसने घर में रहना है कि बाहर गलियों में सोना है। तो फजूल मतलब के बातें करती थी, तो उसको निकाल दिया उन्होंने गवर्नमेंट ने। अब नहीं आया है जी होम ऑफिस का, जेम्स नाम है उसका काला, वो भी अबशी है कोई, वो भी इमिग्रेंट है। तो आके यार हमारे वो दरवाज़े बंद कर ही जा रहे हैं। तो अभी उन्होंने नए कानून अभी ले के आए हैं, तो आज की इस वीडियो में वही डिस्कस करूँगा जी, क्या कानून आए हैं और उस पर स्टूडेंट पे क्या असर पड़ता है। तो स्टूडेंट पे ए भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये मेरी वीडियो खराब करेगा, मुझे पता है, पता है से अकल कोई नहीं है। आ क्या कहना है भाई? देखो सबसे पहले तो 17 जुलाई को पहला जो भी स्टूडेंट डिग्री कर रहा है, जब तक वो डिग्री नहीं कर सकता वो किसी वर्क परमिट पे नहीं जा सकता। ये कानून चेंज हुआ पूरे एक महीने बाद के सितंबर लास्ट डेट है जिसमें कोई बंदा रादर गर्ल और बॉय स्टूडेंट अटेंडेंट बुला सकता है अपने साथ, वो भी नहीं बुला सकता। सितंबर इनटेक 2023 लास्ट इनटेक थी। अब ये रिसेंटली दिसंबर में ये हुआ है कि वर्क परमिट जिसके पास है वो भी अपनी वाइफ या जो लड़की की या जिसके पास वर्क परमिट वो भी नहीं बुला सकती एज अ हस्बैंड उसको। और रिसेंटली फोर्थ ईयर चेंज हुआ है कि पे स्लिप 18,600 जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा था लड़की के काम करना ताकि वो अपना हस्बैंड बुला सके किसी दूसरे कंट्री से या लड़का, वो भी चेंज करके 38,000 काट दिया। तो 5 महीने में 4 रूल चेंज हुए हैं। बिल्कुल सही कहा भाई ने, जो पहले ये इन अब ये रूल्स ये कर दिए कि अब मुश्किल इन्होंने समझे ख़त्म ही कर दी है। अब कोई भी चाहे वर्क वीज़े पे, चाहे स्टूडेंट वीज़े पे, चाहे वो ब्रिटिश है, चाहे गोरी स्किन है उसकी, ब्रिटिश पासपोर्ट है उसके पास, अपनी बीवी नहीं बुला सकता जब तक वो साल का 38,000 पाउंड नहीं कमाता, जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने फुल टाइम काम किया था तो इतनी तो मेरी भी इनकम कोई नहीं थी बनी, ये यानी कि वही बुला सकते हैं जो भाई बड़ी पोस्ट पर लगे हैं, जैसे बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, डेवलपर होते हैं अपनी फील्ड में, जिनके लाख लाख पाउंड के पैकेज लगते हैं। तो वही अब अपनी जो फैमिली है वो बाहर बुला सकते हैं। और ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं जो इनकी इतनी सैलरी लगी और वो वीज़े पे हो, ज़्यादातर यहाँ पे वही पासपोर्ट वाले होते हैं। तो बहुत मुश्किल कर दी है वर्क वीज़े वालों का, स्टूडेंट वालों का। स्टूडेंट तो बुला ही नहीं सकता, उसने राइटिंग ख़त्म कर दी है। स्टूडेंट पेरेंट्स बुला सकता है ना, अपनी आप फैमिली बुला सकता है। तो ये जी उन्होंने नए रूल चेंज किए हैं जो कि काफ़ी बुरे हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है इतना बुरा जो इन्होंने 38,000 पाउंड ऐड किया है, 18,500 से बढ़ा के ये बुरा हुआ है। तो ज़्यादातर वर्क वीज़े वालों के लिए और उनके लिए जिनकी PR हो चुकी है, जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, उनके लिए ये बहुत बुरा हुआ है इन्होंने ये जो इमिग्रेशन कट की है। और ये और भी क्रैकडाउन कर रहे हैं इलीगल माइग्रेशन पे, स्टूडेंट्स आके यहाँ पे इलीगल हो जाते हैं उनके लिए इन्होंने डबल टास्क फोर्स कर दी है। बॉर्डर फोर्स जो है वो डबल हो गई है, जो स्टूडेंट आके यहाँ पे इलीगल काम करता है, ज़्यादा काम करता है, सारा उसको अब ये देख रहे हैं, बहुत सख्ती हो गई है। तो सर्दियाँ भी आ गई हैं तो काम अभी है, काम भी काफ़ी डाउन हो गया UK में पहले से, तो गवर्नमेंट भी फुल डंडा दे रही है। तो आजकल तो UK में ये है कि फुल यानी कि पागल हो गई है गवर्नमेंट, फुल मैं कहता हूँ यार रेसिस्ट गवर्नमेंट आई हुई है अभी UK। तो यार बड़ा ख़तरनाक हुआ है। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में इनकी कोई नई गवर्नमेंट आए लेबर वाली है, जो लेबर पार्टी है वो ये इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करती है। तो बाकी तो यार बड़े रेसिस्ट हैं। तो अभी हमारी दुआ है कि लेबर वापस आ जाए, ये कानून बदले आगे, बहुत मुश्किल है कानून हो गए हैं। कोई स्टूडेंट भी नहीं अपनी बुला सकता, PSW वाला नहीं वाइफ बुला सकता, और इनका यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उन्होंने राइट खींच लिया कि वो बच्चों को सपोर्ट कुछ यूनिवर्सिटीज रखी है अब जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, और वो फीसें भी इन्होंने बढ़ा दी हैं। साल वेज वो बढ़ रहा है, नेशनल वेज रेट अप हो रहा है, तो उस हिसाब से ये फीसें भी बढ़ा देंगे। जैसे पहले वेज रेट 9.5 था, 14,500 फीस थी, वेज रेट 10.5 पाउंड हुआ तो 15,000 पाउंड का फ़र्क। यानी कि अब जो हम फीस देते हैं 16,000 जो भी रेट चल रहा है, वो 17,000 तक फीसें जाने वाली हैं, जो कि बहुत ही इम्पोसिबल हो जाएगा आने के लिए, आने वाले टाइम के लिए। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो,
जैसे आपको अपडेट करना था यूके के हालात के बारे में, कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या कानून करी जा रही है पास। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। अभी के लिए इतने, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।